हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो अभी हम जा रहे हैं अजमेर दरगाह से अना सागर झील की तरफ, तो ऑटो लेते हैं, चलते हैं, रास्ते में मिलते हैं। सो गाइस, यहां से आपको ऑटो मिल जाएगा दरगाह के बिल्कुल सामने से, तो लेते हैं यहां से ऑटो, देखते हैं कितने रुपए वो चार्ज करेगा हमसे। गाइस, काफ़ी लड़ाई के बाद 40 रुपये में हम जा रहे हैं अना सागर। तो गाइस, आप यहाँ पे लड़ाई कर सकते हैं, मतलब काफ़ी सारे ऑटोज़ को आप पूछ सकते हैं। अगर एक ही को आप पूछेंगे, एक ने मुझे 200 बताया, एक ने 100 बताया, लास्ट में इन्होंने मुझे 50 बताया, मैंने कहा मैं 40 दूंगा, बोलते हैं बैठ जाओ। तो ऐसा रहता है कि अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो आपको अच्छे प्राइस में यहाँ से ऑटो मिल जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है भाई। यहाँ से आपको वो अच्छा खासा चार्ज कर लेंगे, यहाँ से अजमेर शरीफ से, अजमेर शरीफ की दरगाह से लेकर अना सागर झील तक। तो देख सकते हो आप कितना रश है यहाँ से बाहर, तो गाड़ी निकल रही है। ओ भाई रश। सो गाइस, ये है मार्केट अजमेर शरीफ की, देख सकते हैं आप, ये बाहर की मार्केट है, मतलब दरगाह के थोड़ा सा आई थिंक 1-2 किलोमीटर बाहर की है। ये भी बहुत बड़ी मार्केट है गाइस। तो फाइनली गाइस, हम अना सागर झील के अंदर इंटर हो गए हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर आप इंडियन हैं तो आपको 25 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी। अगर आप फॉरेनर से आ रहे हैं तो आई थिंक यहाँ लिखा होता है 300 की टिकट आपको लेनी पड़ेगी। तो देखते हैं अंदर इस टिकट पे हम कहाँ कहाँ क्या क्या घूम सकते हैं, तो लेट्स गो। सो फाइनली गाइस, टाइम आ चुका है आपको अना सागर झील दिखाने का। तो गाइस, दिस इज़ द अना सागर झील, देख सकते हैं आप। वाह यार, यकीन नहीं होता कि राजस्थान में भी पानी है भाई। राजस्थान का नाम सुन के ना हमारे दिमाग में सिर्फ रेत ही रेत आती है, सिर्फ सैंड है, बस कुछ नहीं। बट यहाँ पे इतनी बड़ा यार, ये वाला देख के ना ये डल लेक की याद आ रही है कश्मीर की यार, वो भी इतना मतलब ऐसी तरह से घूम रहा है, ये वो हवा भी अच्छी चलती है और साइड में बिल्डिंग्स वगैरह बहुत, मतलब डेवलपमेंट वाला सिस्टम है यहाँ पर। बाकी ये बोट है, तो अगर आपको यहाँ से बोट लेनी है तो 400 ईच, मतलब एक पर्सन का 400 लगेगा आपको घूमने का, पूरे पूरी झील घुमा देंगे ये आपको। तो उसके बाद अगर आपको लेना ये वाला जो फास्ट बोट होती है, इसका 2 मिनट है, तो आई थिंक इसका 500 चार्ज है। तो एक और बोट है यहाँ पे, उसका आई थिंक उसका भी 500, इस पर सिंगल बंदा घूमता है, जो बाइक नहीं होता वो वाला, वो आई थिंक ज़्यादा खतरनाक है। बट मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे वापस निकलना है दरगाह की तरफ, और उसके बाद मुझे अपना थोड़ा सा काम है यहाँ पर, वो करके फिर मुझे वापस भी निकलना है जम्मू के लिए। तो उसके लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, बिकॉज मैं जहाँ भी जाता हूँ बैठता हूँ, बट आज मुझे ये स्किप करना पड़ेगा, बिकॉज़ एक रहेगा मेरे अंदर कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा यहाँ पर, तो एक रहेगा भाई अना सागर जाना, वही वो सिंगल राइड करनी है, बाइक राइड करनी है या कुछ भी करना है। तो देखते हैं गाइज कितना टाइम और यहाँ पर लगता है। बाकी साइड पर पार्क्स वगैरह हैं, लोग शोक आप देख सकते हो, तो यहाँ पर लोग वगैरह हैं, इधर से पानी जा रहा, मतलब अपना इन्जॉय आप आराम से कर सकते हो अगर आप फ्री हो। तो ये देखो लोग बैठे हैं यहाँ पे ले रहे हैं नज़ारे। गाइस, मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ यहाँ की, यहाँ पे 3 वो बने हैं आई थिंक, दीवाने खास थे, मतलब आई थिंक ये उस ज़माने के बने हैं, ये शाहजहाँ ने उस वक्त, जो मार्बल है ना दिख रहा है, ये उस वक्त शाहजहाँ ने लगवाया था कि थोड़ा इस झील की खूबसूरती के लिए। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ आगे चल के। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. अगर आप भी किसी को प्यार करते हो, तो देखो यहाँ पे किस तरह लिख रहा है इमरान महक। मैं भी लिख देता हूँ, पर लिखूँ किसका, अपने नाम के साथ किसका नाम लिखूँ, किसका लिखूँ यार, है नहीं कोई, इमरान अक्सा, इमरान अफसान, अफशाना, पता नहीं क्या क्या लिखा है गाइस। ओ भाई, एक बंदे ने तो ऊपर लिखा है, ऊपर जाके टॉप पे छत के ऊपर। ओ भाई क्या प्यार है भाई, सोच रहा हूँ मैं भी लिख दूँ, बट ये काम मत किया करो यार, इससे इस चीज़ से जो मोनूमेंट्स हैं ना ख़राब होते हैं। तो भाई ऐसा मत किया करो यार, आप यहाँ लिखने से ऐसा थोड़ा होगा कि आपकी गर्लफ्रेंड या आप जिसको आप प्यार करते हो वो मिल जाएगी। तो गाइस, काफ़ी सोचने के बाद मैंने ज्वाइन कर लिया आखिरकार, तो थोड़ा टाइम बच रहा था, मैंने सोचा क्यों ना बोटिंग ही की जाए। देख सकते हो आप क्या बात है, हम जा रहे हैं उस पार वाले गार्डन के अंदर, वहाँ हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे फिर वापस आएँगे। यहाँ पर 2 मिलते हैं, एक आपको मिलेगा कौन सा, वो आपको पूरा लेक घुमा देगा, और दूसरा मिलेगा आपको यहाँ से वो गार्डन
गार्डन में छोड़ेगा, गार्डन में आप काफ़ी टाइम आप वेट करो, मतलब घूमो शुमो, तो उसके बाद वहाँ से क्या होगा आप फिर वापस आ सकते हो यहाँ पे। हम जा रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से किश्ती को, बाकी आप ले लो नज़ारे थोड़े से। डुप्लीकेट है लेकिन असली लग रहा है भाई, पूरा आवाज़ वैसे निकाल रहा है ये। देखो देखो गाइस, वाह, आई थिंक इसके पास कोई सेंसर लगा, जब भी कोई इंसान गुजर रहा है यहाँ से ये बोल रहा है हेलो 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 हेलो, बोलना बस। गाइस मैं बिल्कुल लेक के सेंटर में हूँ, आप नज़ारा लोग लेक का, देखो किस तरह का सिस्टम है यहाँ पे। बट ये जो सेंटर है ना गाइस, ये सिर्फ किसके लिए है, मतलब छोटे बच्चों के लिए आई थिंक, ठीक है, बाकी हम जैसे बड़ों के लिए इसमें कुछ नहीं है यार। देखो घुमा दिया इसको मैंने, उस साइड एक बंदा बांसुरी बजा रहा, लेकिन क्या बना रहा है, क्या बजा रहा है, कोई परदेसी मेरा दिल ले गया। चाचे को मुझे लगता है कोई बचपन में यहाँ आया, कोई ले गया, तो चाचा बड़ा दुखी हुआ। अगर यहाँ कंटीन पर भाई खाने का तो कुछ नहीं मिला मुझे,